बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्टोरी रखने जा रहा हूं, स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जो कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये एक वास्तविक स्टोरी है जो मैंने अपने आसपास देखी है। क्या है स्टोरी कि एक लड़का था हमारे आसपास का, ये गाँव का, मैंने छोटी क्लास में उसको पढ़ाया है और बहुत अच्छा लड़का था, इंटेलिजेंट लड़का था। लेकिन जब कक्षा 10th में पहुंचा, हालांकि मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया 10th में, लेकिन लड़का अच्छा था बचपन से ही पढ़ने में, 10th में किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया था, तो उसका रिजल्ट बहुत डाउन हो गया। तो मैंने भी विश्वास नहीं हुआ मुझे भी कि ऐसा हो सकता है क्या। मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, रीचेकिंग वगैरह करवानी चाहिए, और रीचेकिंग करवाई तो वास्तविकता हमारे सामने थी, रिजल्ट बहुत डाउन हो गया। फिर मैंने थोड़ी सी इसकी कोशिश की कि बच्चा डाउन क्यों हुआ, क्यों उसका रिजल्ट डाउन जा रहा है। तो मेरे सामने जब मैंने जांच की, इसकी जांच पड़ताल की, इधर उधर से ट्राई किया, पूछा, तो एक बात सामने निकल के आई कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ पबजी, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ पबजी इन अवर एरिया। मतलब पबजी का वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है और हमारे एरिया का सबसे बढ़िया खिलाड़ी है। मतलब एक बात मुझे समझ में नहीं आती, क्या हम जिंदगी में सिर्फ गेम खेलते रहेंगे? इस पबजी, जो पबजी आया, टिकटॉक आया, इन टिकटॉक और पबजी ने क्या कर दिया, हमारे देश के बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। जो बच्चे खेल रहे हैं गेम पबजी में और जो अपने वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक पर, कोई मतलब नहीं है भाई। अगर खुद कुछ मिलता है इनको, जैसे मोदी जी वगैरह आके, कोई नेता आके हमें मेडल देता, अगर वाह भाई बेटा तुमने बहुत बढ़िया नाम किया मेरा और तूने हमारे भारत देश में रैंक नंबर 1 ला के पबजी में नाम रोशन कर दिया, मोदी जी अगर मेडल देते मैं खुद खेलता भी इस गेम को। लेकिन ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला पबजी खेलकर। या टिकटॉक में हमारे इतने फॉलोवर बन जाएंगे तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। हम हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार कर रहे हैं। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था वो आज ढकूल हो चुका है, क्यों? एक गेम के कारण। क्योंकि बच्चे 8-8 घंटे, 5-5, 10-10 घंटे इस गेम में लगे रहते हैं। तो मतलब ऐसा क्या गेम खेलना भाई कि अपने भविष्य को अपन खतरे में डाल रहे हैं। बाद में वही काम करना पड़ेगा जो अपने पापा जी कर रहे हैं, वही काम हमें करने पड़ेगा। अगर पापा जी खेती कर रहे हैं तो हमें भी खेती ही करनी पड़ेगी, अगर नहीं पढ़े तो। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर हम नहीं पढ़े तो हमें वही काम करना पड़ेगा जो हमारे आज बाबूजी यानी कि माता पिता कर रहे हैं, वही काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर पढ़ गए, अगर हमने पढ़ाई कर ली, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये गेम 2-4 साल बाद भी हम खेल सकते हैं, जब हम सेट हो जाएं किसी न किसी चीज़ में, सेटल हो जाएं किसी धंधे पानी में, तब भी हम इस गेम को खेल सकते हैं। इस बात को समझो बेटा, ये हमारी लाइफ का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। और ये वीडियो में इस बात को कहना मेरा यही उद्देश्य था कि जो भी हमारे बच्चे वीडियो को देखते हैं या जो बच्चे नहीं देखते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी अंतरात्मा जागे, और अंतरात्मा जागे और हो सकता है इस 3-4 मिनट के इस छोटे से मोटिवेशन से हो सकता है ज़िंदगी या उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। इसलिए ये बात कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारे आसपास की हर गांव की, हर कस्बे की ये घटना आम बात है। हर जगह यही काम हो रहा है, पबजी में लगे हुए हैं, टिकटॉक में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार ने बैन किया, लेकिन पता नहीं किसी के मोबाइल में फिर भी चल रहा है, फिर से दोबारा गेम चल रहे हैं, फ्री फायर आ गया उसके बदले में। तो हम गेम खेलते रहेंगे ज़िंदगी भर, और ये ज़िंदगी फिर हमारे साथ गेम खेलेगी। इस बात को सीरियस लेने बच्चों, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे पढ़े वैसे, तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये थोड़ा सा मैसेज जो है वो बच्चों बच्चों तक पहुँचे। और हो सकता है अगर एक की भी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज आता है तो मैं मुझको स्वयं को खुद नसीब समझूंगा, खुश नसीब समझूंगा कि मैंने छोटी सी वीडियो द्वारा आपको चेंज कर दिया। तो चलिए आज हम बात करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, 12th बायो का जो चल रहा है उसका लेकर आए हैं। और आज हम इस जो वीडियो है उसमें दो नियमों की अध्ययन करने वाले हैं। एक तो जो मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग किए उसके आधार पर दो नियम दिए। ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेंडल ने वास्तव में कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। और इन तीनों नियम को मेंडलवाद कहते हैं, इन तीनों नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। यानी कि मेंडल द्वारा दिए गए तीनों नियमों को मिलाकर क्या कहते हैं? मेंडलवाद। यानी कि मेंडलों के नियम, मेंडल के नियम, मेंडल के नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल के कितने नियम थे? 2। और आज की वीडियो हम कितने पढ़ने वाले हैं? 2। सॉरी, मेंडल ने कितने नियम दिए? 3। और आज की वीडियो में हम कितने पढ़ने वाले हैं? 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 3 नियम थे उसको 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं 2 नियम और उसके बाद आता है 1 नियम।
सर एक और दो क्यों नहीं, उसका भी रीजन है, क्योंकि ये दो नियम जो दिए थे वो एक संकर संकरण पर आधारित थे। जो मेंडल ने दो नियम दिए थे वो एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर थे, और जो एक नियम दिया था तीसरा नियम वो एक संकर संकरण की बजाय द्विसंकर संकरण पर आधारित था, द्विसंकर संकरण पर आधारित था। तो मेंडल द्वारा मेंडलवाद में तीन नियम प्रतिपादित किए गए, दो नियम तो एक संकर संकरण पर आधारित थे और एक नियम था द्विसंकर संकरण पर आधारित। तो आज की वीडियो में मैं केवल दो ही नियमों की बात करने वाला हूँ जो किस पर आधारित है, एक संकर संकरण प्रयोग। क्वेश्चन डायरेक्ट लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल द्वारा एक संकर संकरण पर आधारित प्रयोग या नियम का नाम लिखिए, मेंडल द्वारा एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित नियमों के नाम लिखिए, और मेंडल का वह कौन सा नियम है जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये बात याद हो जानी चाहिए कि मेंडल के तीन नियम थे, तीन नियमों में से दो नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे और एक जो नियम था वो था द्विसंकर संकरण पर आधारित। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, जो नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है और जिसमें दो नियम है उनके नाम सबसे पहले क्या है, पहला नाम था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम जो है उसका नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को कहते हैं विसंयोजन का नियम, या इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 10th में भी पढ़ा है कि मेंडल द्वारा तीन नियम दिए गए थे। तो याद क्या रखना है कि मेंडल द्वारा तीन नियम दिए गए, दो नियम तो एक संकर संकरण पर आधारित थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, प्रभावी लक्षण। जैसे कोई मैच चल रहा है और एक टीम एक तरफा जीत कर रही है, तो मतलब वो टीम क्या है, डोमिनेंट है, वो टीम क्या है, डोमिनेंट। और हमने पढ़ा भी है कि जब मेंडल ने दो शुद्ध लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया, यानी जनक के रूप में शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध भौना पौधा लिया, जब इन दोनों के बीच संकरण करवाया, जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया, तो हमने देखा था कि जो एफ वन पीढ़ी प्राप्त होती है, जो एफ वन पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें केवल कौन सा लक्षण दिखाई देता है, लंबापन दिखाई देता है। फिनोटाइप की बात करेंगे यहाँ पर, किसकी बात करेंगे, फिनोटाइप की, जीनोटाइप हमें नहीं देखना है। तो हमने क्या देखा था कि जब शुद्ध लक्षणों वाले दो जनकों के बीच संकरण कराया तो एफ वन पीढ़ी में लंबापन प्रकट होता है। कौन सा लक्षण प्रकट होता है, लंबापन, यानी कि जो लंबापन, अब ये लंबापन आया कहाँ से, ये अपने प्रभावी जनक से आया है, कहाँ से आया है, प्रभावी जनक से। और हमने लिखा था, हमने पढ़ा था कि वो लक्षण जो एबन बीड़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, वे लक्षण जो एबन बीड़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो नियम भी यहीं से बना है, प्रभाविता का नियम कहता है कि दो जनकों के बीच संकरण कराने पर एफ वन पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, और प्रभावी लक्षण का प्रकट होना ही क्या है, ये इसी नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम, यानी एफ वन पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। एफ वन पीढ़ी में, यानी कि मैं शॉर्ट रूप में क्या लिख सकता हूँ, एफ वन पीढ़ी में, या दो जनकों में संकरण कराने पर एफ वन पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण या गुण का प्रकट होना ही क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। यानी कि जब दो शुद्ध पौधों के बीच मेंडल ने संकरण कराया तो एफ वन पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, इसी नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस नियम का आधार क्या था, तो इस नियम का आधार था मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। इस नियम का आधार क्या था, मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पलों की बात करूं मैं, जब पौधों में शुद्ध पौधों में संकरण कराया तो एफ वन पीढ़ी में हमें ऐसे प्राप्त कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, मतलब लंबे पौधे। कैसे पौधे प्राप्त होंगे, लंबे पौधे। और बात कर लेते हैं, मतलब यहीं पर देखिए, यहां पर प्रभावी गुण कौन सा है, लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यहां पर प्रभावी गुण है लंबापन, प्रभावी कौन है, यहां पर लंबापन प्रभावी है, और यहां पर अप्रभावी कौन है, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, जो एफ वन पीढ़ी में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है उसको कहते हैं अप्रभावी। तो यहां पर अप्रभावी के रूप में कौन है, यहां पर अप्रभावी है बौनापन, कौन है, बौनापन। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कैपिटल आर का क्रॉस करवाया स्मॉल आर से। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है, तो ये होता है, आर का मतलब है यहाँ पर राउंड, यानी कि गोल बीज, गोल बीज, झुर्रीदार बीज। एफ वन पीढ़ी जो प्रकट होगी उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर वाले बीज प्राप्त होंगे, यानी कि ये बीज कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं,
जब गुल बीज और झुर्रीदार बीज के बीच संकरण करवाया, बीज वाले पौधों के बीच संकरण करवाया, तो हमें कैसे बीज प्राप्त होंगे? एबन गुणी में हमें गुल बीज प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर गुल बीज प्राप्त होना ये क्या है? ये प्रभावी लक्षण है। और ये नियम कौन सा हो गया? प्रभाविता का नियम। और भी अगर मानव में बात करें तो मानव में भी प्रभावी जीन वगैरह पाए जाते हैं, अप्रभावी जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि पौधों में जो लंबापन है वो बौनेपन पर प्रभावी होता है। लंबापन किस पर प्रभावी है? बौनेपन पर। इसी प्रकार मानव में काले बाल, मानव में बात करें तो काले बाल लाल बालों पर प्रभावी है। जो काले बाल है मानव में वो लाल बालों पर प्रभावी होते हैं, यानी कि काले बालों का लक्षण वो क्या है? वो प्रभावी लक्षण है। और लाल बाल वो कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार हमारे मानव में ही काली आंखें ये भी प्रभावी होती हैं। कौन सी आंखों पर? नीली आंखों पर। ये मानव की बात की है हमने। मानव में भी एक तो काले बाल लाल बाल पर प्रभावी है और काली आंखें नीली आंखों पर प्रभावी होती है। तो ये है हमारा प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। इसी प्रकार मंदबुद्धि मानव में वर्णांगता ये भी कैसे होते हैं? अप्रभावी लक्षण होते हैं, यानी कि इनकी जीन कैसे होते हैं? अप्रभावी होते हैं, जो कि प्रकट नहीं होते नॉर्मली। तो ये था हमारा प्रभावित नियम। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। दूसरा नियम क्या है? ये तो था हमारा प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा नियम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ शुद्धता बोले तो प्योरिटी ऑफ किसकी शुद्धता? युग्मकों की। इसको क्या कहते हैं? गैमिट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, या इसको कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत या नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि सेग्रीग्रेट होने का मतलब होता है विसंयोजित होना, यानी कि अलग होना। अब देखिए हम इसका सबसे पहले तो आधार की बात करते हैं। तो आधार इसका भी क्या होगा? एक संकर संकरण, एक संकरण संकरण, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही मेंडल ने दूसरा नियम प्रतिपादित किया था। तो पहला और दूसरा नियम एक संकर संकरण पर आधारित था, और जो तीसरा नियम था वो था द्विसंकर संकरण पर आधारित। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने एक पौधा ये लिया, दूसरा पौधा ये लिया, तीसरा पौधा ये लिया, हालांकि ये एबन पीढ़ी होगी। जब इन दोनों पौधों के बीच संकरण करवाएंगे तो हमारे पास कौन सा? एबन पीढ़ी प्राप्त होगी। कैसे पौधे होंगे? लंबे। अब देखो होता क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि जब ये पौधा अपने पुष्प उत्पन्न करेगा तो पुष्प में परागखंड भी बनेंगे और वृत्तिकाग में अंडकोशिका भी बनेगी। तो उसमें ये दोनों युग्मकों में, यानी कि ये दोनों जो एलील हैं वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ये दोनों एलील क्या होते हैं? अपन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। भैया जनक पीढ़ी है तो हम इनके क्या बनाते हैं? गैमिट्स बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। तो ये देखिए युग्मक बन रहे हैं। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या कहता है? कि जब जो एलील किसी पौधे में स्थित होते हैं, जो एलील किसी पौधे में स्थित होते हैं वो जब युग्मक बनाते हैं तो दोनों एलील अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। और यानी कि इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता और इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? पृथक्करण का नियम। क्योंकि दोनों एलील एक साथ रहते हैं किसी पौधे में, दोनों एलील एक साथ रहते हैं और ये क्या हो जाती है? जब युग्मक बनाती हैं तो उस टाइम दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं पृथक्करण या विसंयोजन। विसंयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे कि ये युग्मक बना, इसके भी क्या युग्मक बनेंगे? स्मॉल डी, और अगर इसी प्रकार इसके भी युग्मक बनाएं तो कैपिटल डी स्मॉल डी। युग्मक बनाने का मतलब है जो एलील हमें दिखाई दे रहे हैं उनको अलग अलग कर दो, ये होता है युग्मक बनाना। तो देखिए इससे युग्मक बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे युग्मक बने स्मॉल टी, हालांकि एक ही युग्मक बना सकते हैं क्योंकि सभी युग्मक जो बनने वाले हैं वो एक ही प्रकार के होंगे, और इससे भी एक ही युग्मक बना सकते हैं क्योंकि इससे भी सभी जो बनने वाले युग्मक होंगे एक जैसे होंगे। तो ये युग्मक बन रहे हैं। अब देखिए विसंयोजन का नियम का मतलब क्या है? अलग होना। और अगर हम बात करते संयोजन का नियम अगर होता तो क्या कहते? संयोजन में क्या होता है? जुड़ना। जैसे ये और ये दोनों युग्मक जुड़ेंगे और नया पौधा कैसा बनेगा? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी वाला। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इसको कहते हैं अपन संयोजन। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं विसंयोजन।
विसंयोजन किसका उल्टा होता है? संयोजन का। विसंयोजन किसका उल्टा है? विसंयोजन उल्टा है संयोजन का। तो देखिए इस एक ही नियम को तीन नाम दिए गए हैं। एक तो युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि दोनों एलील किसी पौधे में उपस्थित होते हैं, किसी लक्षण के लिए होते हैं, एक जीन के दो एलील होते हैं, वो यहाँ पर दोनों क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, दोनों पृथक हो जाते हैं या विसंयोजित हो जाते हैं, तो इसको नाम दिया पृथक्करण या विसंयोजन। और युग्मकों की शुद्धता का मतलब यह है कि इसका एक युग्मक या एक युग्मक का एलील दूसरे युग्मक के एलील पर कोई प्रभाव अपना नहीं डालता है। तो इस नियम को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। यानी कि मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं अपन क्या कि दो जब किसी पादप में किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन जब किसी पादप में किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं या हो जाएं, तो इस नियम को कहते हैं। और वैसे ये नियम चलता ही है, क्यों? युग्मक बनानी है पौधों को, तो इस नियम को कहते हैं हम। यानी कि युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील एक दूसरे से विसंयोजित होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, इस नियम को कहते हैं पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। अब इसी नियम के कारण क्या होता है, जीन संकल्पना को बल मिलता है। जीन संकल्पना, जीन जो थ्योरी थी, जीन कॉन्सेप्ट जो था, जीन संकल्पना, इसी के कारण क्या होती, इसको बल मिला था, पावर मिली थी। पहले चलती थी कि जीन नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन इस प्रयोग के बाद, इस नियम के बाद ये सिद्ध हो गया कि जीन नाम की कोई चीज़ है, और जीन कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसको यहाँ से पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि एक जीन के दो एलील होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, एक जीन के दो एलील नहीं होते हमेशा, एक जीन के दो एलील हों ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे कि अब अपवाद के रूप में इसको याद कर सकते हो, अपवाद के रूप में क्या याद कर सकते हो, अपने कक्षा 10th में पढ़ा है आई ए आई बी और आई ओ कितने एलील हैं, यहां पर तीन एलील हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टी एलील कहते हैं, मल्टी एलील एलील इसको क्या कहते हैं, मल्टी एलील्स। भाई देखिए दो एलील होते हैं, वैसे तो हमें पता है दो एलील होते हैं ज्यादातर, लेकिन मानव में जो रक्त वर्ग बनते हैं, ब्लड ग्रुप्स जो बनते हैं, वो तीन एलीलों के कारण बनते हैं। लेकिन तीन प्रकार के एलील पूरे मानव में जाति में पाए जाते हैं, लेकिन किसी एक मानव में इनमें से कोई दो ही एलील होंगे। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ तो मेरे में तीनों एलील नहीं है, मेरे में कितने एलील हैं, दो। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी प्लस है, बी पॉजिटिव है, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव, तो मेरे पास इनमें से केवल कितने एलील होंगे, दो ही होंगे, तीनों नहीं हो सकते। या तो मेरे पास आई बी हो सकता है, या फिर मेरे पास आई बी और स्मॉल आई, या फिर इसकी जगह आई ओ लिख सकता हूँ, ये हो सकता है। तो तीनों में से कोई दो होंगे एक इंसान में, लेकिन टोटल इंसानों में तीन प्रकार के एलील्स पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टी एलील्स। ठीक है, यानी कि मल्टी एलील हैं, और नॉर्मली कितने होते हैं, दो, किसी भी एक लक्षण के जीन के कितने एलील होते हैं, दो। लेकिन मानव में अपवाद है इसका, मानव अपवाद है इसका, क्यों? क्योंकि मानव में समस्त जाति की बात करेंगे तो तीन प्रकार के एलील पाए जाते हैं, आई ए आई बी और आई ओ। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों नियम कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखिए अब मेंडल की जो प्रभाविता का नियम है, या मेंडलवाद के नियमों से विचलनों की बात करेंगे जो 10th में नहीं है। अब यहाँ तक जो वीडियो था वो 10th और 12th के लिए सेम था, लेकिन अब जो वीडियो है वो 10th वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अब 10th में नहीं है, ये केवल 12th के लिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट और नोट्स में भेज दूंगा, लिखने वाले बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो आज भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर पूरी डिटेल लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए नोट्स में भेजूंगा। यहाँ पर मात्र वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करनी है, और जैसा कि आपको पता है डेली रात को 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, तो बच्चे टेस्ट देने जरूर हैं, क्योंकि टेस्ट देने से बहुत बड़ा फायदा होता है बच्चों का। तो देखिए मेंडलवाद से विचलन या अपवाद, मेंडलवाद से विचलन या अपवाद, एक्सेप्शंस क्या है? हर एक चीज के एक्सेप्शंस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्सेप्शन मतलब होता है विचलन या अपवाद। देखिए नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि एप्पल पीढ़ी में
प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, एपन पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें हमेशा जरूरी नहीं होता या जिनमें जरूरी है ही नहीं कि प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो, कोई दूसरा लक्षण भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि पहले मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि एक लाल फूल है, लाल पुष्प है, दूसरे सफेद पुष्प है। एक तो कैसे पुष्प है, रेड लिखेंगे इसको हम, क्योंकि प्रभावी लक्षण है तो उसको कैपिटल से लिखना है, रेड पुष्प, और दूसरा सफेद, इसको व्हाइट नहीं लिखेंगे। क्यों, मैंने बताया था कि अप्रभावी लक्षण जो भी होगा उसको प्रभावी के स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जब दोनों के बीच संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो हमें पता चलता है क्या, यही बनेगा बनने में तो कैपिटल आर और इधर से आया स्मॉल आर। अब होना क्या चाहिए था, ये कैसे पुष्प बनने चाहिए थे, लाल पुष्प बनने चाहिए थे, ध्यान देना, चाहिए थे लाल पुष्प बनने चाहिए थे। क्यों क्यों बनने चाहिए थे कि मेंडल का नियम कहता है, साफ साफ कहता है मेंडल का नियम कि जब लाल पुष्प का सफेद पुष्प के पौधों से संग्रहण कराया जाएगा तो जो एफ वन पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें लाल पुष्प बनेंगे। लेकिन ये अपवाद कैसे होता फिर, तो अपन अपवाद कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है, लाल पुष्प नहीं बनते हैं, जबकि ये कैसे पुष्प बनते हैं, ये गुलाबी पुष्प बनते हैं। कैसे पुष्प बनते हैं, गुलाबी पुष्प, याद रखना है गुलाबी पुष्प बनते हैं। बनना क्या चाहिए था, लाल, जब लाल का और सफेद का संकरण करवाएंगे तो बनने चाहिए थे लाल, लेकिन बनते कैसे हैं, गुलाबी। कैसे बनते हैं, गुलाबी, मतलब मेंडल से, मेंडलवाद से या मेंडल के नियमों से विचलन में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अपूर्ण प्रभाविता की, अपूर्ण प्रभाविता। अगर ये रेड कलर बनता है यहां पर, अगर रेड बनता भाई ये तो बनी नहीं रहा, इसको तो काट दो, ये तो बनी नहीं रहा। अगर यहाँ पर लाल और सफेद से केवल लाल पुष्प बनते तो इसको कहते हैं हम प्रभाविता का नियम, लेकिन यहाँ पर दोनों के लक्षण थोड़े थोड़े प्रकट हो रहे हैं, या फिर यूं कह दें कि इस रेड ने इस वाइट को पूरी तरह दबाया नहीं है, इस रेड ने इस वाइट वाले को पूरी तरह से दबाया नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, मतलब ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाया है। तो यानी कि कौन से पुष्प बन रहे, गुलाबी, तो इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। इसी प्रकार से दूसरी जो इसमें अपवाद होगा उसे कहेंगे हम सहप्रभाविता। दोनों में अंतर कितना है देखिए, सहप्रभाविता, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे इसकी पहले इसी की बात कर लेते, लाल और सफेद क्या बना, गुलाबी, क्या बना, गुलाबी बना, यानी कि इसने इसको पूरी तरह से दबाया नहीं है, मतलब प्रभावी तो ये है लेकिन पूरी तरह नहीं है, प्रभावी तो है लेकिन पूरी तरह नहीं है, यानी कि इसका लक्षण थोड़ा देखेगा, यानी कि इस लाल वाले ने व्हाइट वाले को पूरी तरह से दबाया नहीं है। और दूसरे प्रयोग में हम क्या कर रहे हैं, सहप्रभाविता, को डोमिनेंस का मतलब है इसने भी अपना लक्षण दिखाया है, इसने भी अपना लक्षण दिखाया है। दोनों नियमों में अंतर समझ जाना, दोनों नियमों, पहले नियम में क्या कह रहे हैं, इसका लक्षण प्रकट नहीं होता, इसका लक्षण पहले में प्रकट नहीं हुआ, यानी कि पहले नियम में क्या कह सकते हैं हम, ये अप्रभावी है, मतलब अप्रभावी नहीं, सॉरी, ये अपूर्ण है, इसका असर कैसे दिखाए, अपूर्ण रूप से दिखाए, यानी कि ये अपूर्ण प्रभाविता होगी। और सहप्रभाविता में क्या होगा, दोनों का असर बराबर देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद हम तीसरा लेंगे, बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति, और चौथा इसी प्रकार इसमें अपवाद है, बहुप्रभाविता, बहु प्रभाविता। हालांकि इसको अभी, इस चीज को अभी नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम इन सब की डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुजीनी वंशागति, और फिर हम बात करेंगे बहु प्रभाविता। लेकिन इनमें से हमें केवल दो ही चीज बढ़नी है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, दो चीजें, बहुजीनी वंशागति और बहु प्रभाविता हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, यानी कि वही चीज पढ़ा रहा हूं मैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। लेकिन हाँ, ये एग्जाम्पल भी नहीं है, हालांकि दो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों भी इसके अपवाद होते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता पढ़ेंगे और सह प्रभाविता पढ़ेंगे, ठीक है, कौन नहीं है, बहुजीनी वंशागति नहीं है और बहु प्रभाविता नहीं है, तो ये दो चीजें नहीं है। इसलिए अब हम अगले वीडियो में क्या लाएंगे, हम अगले वीडियो को शूट करेंगे अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, और घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क का प्रयोग करें, और अपनी जेब में सैनिटाइजर का यूज करें, उसको रखें अपनी जेब में।
और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आप क्या थे और अब क्या हो गए हैं। अगर सुधर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले की तुलना में अब अगर कमज़ोर हो गए हैं तो ये टाइम है, ये लॉकडाउन बहुत अच्छा टाइम है। आपके पास 5-5 घंटे, आपके पास 10-10 घंटे पढ़ने का बहुत बढ़िया मौका है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी मेरी पढ़ाई में से टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, और मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो। तब तक जय हिंद, जय भारत।